जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और तैयारी कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, काफी लोग यहाँ पर सस्ता रहे होंगे, भाई रिजल्ट नहीं आया क्या करें, कोस्ट कार्ड वाले सभी लोग चलेगा, उनके लिए एक अपडेट है। मैंने कहा था कि भाई आप सभी के लिए काफी जल्दी एक बहुत बड़ा अपडेट मैं लाने वाला हूँ। अपडेट आप सभी को पता था कि आपका कोस्ट कार्ड जीडी डीबी एंड यांत्रिक के जो भी स्टूडेंट हैं उनका क्या हुआ है, स्टेज सेकंड में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। क्या क्या बदलाव हुआ है, जो आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट है वो क्या है, ठीक है, आखिर इसमें होगा क्या, असेसमेंट टेस्ट में होना क्या वाला है। ठीक है, चलेगा इसमें बात करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले अगर देखते हैं, मैंने यहां पर पूरी फाइल तैयार की आप सभी के लिए, ठीक है, तो यहां पर आप सभी को दिखाई देगा। इसको मैं कर लेता हूं थोड़ा सा जूम, जिससे कि आप सभी को क्लियर हो पाए। चलेगा इसको जूम कर लेते हैं, और जैसे ही मैं इसको जूम करता हूं आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है कि असेसमेंट या फिर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट आप सभी का होने वाला है, वो भी स्टेज टू में। कब स्टेज टू, और ये कब होता है आप सभी का, तो आई थिंक आप सभी के पास में लगभग 45 डेज के आसपास है। ठीक है, 45 डेज अभी है इसकी तैयारी के लिए, या फिर इससे ज्यादा भी आपको टाइम मिल सकता है, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो थोड़ा सा आप सभी का नया टेस्ट है, तो टाइम आराम से मिलेगा। क्या क्या हो सकता है इसमें, क्या प्रोसेस होगी एंड इसमें क्या होगा, ये स्टेज सेकंड जब होता है, जब आप सभी लोग अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं स्टेज वन का, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद ये टेस्ट होगा स्टेज टू में। आखिर ये लाया क्यों गया है, इसकी एक वजह है कि भाई पैसा, जो मालदार लोग हैं पैसे वाले लोग हैं वो क्या करते थे, वो स्टेज वन सीबीटी एग्जाम में पैसा देते थे, 2 लाख 4 लाख 10 लाख और सेटिंग कर लेते थे। ठीक है, कोस्ट गार्ड को ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, नेवी को पसंद नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग ये टेस्ट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि इसमें क्या होगा कि जो लोग पास होके आएंगे ना, अब जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, सीबीटी का, उसकी तो कट ऑफ आखिर तक जाएगी, बट एक टेस्ट होगा उसके इसमें मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। सिर्फ ये होने वाला है कि भाई जो इस टेस्ट को पास करेगा वही पास होगा। ठीक है, ये एक ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे कि आपका एनडी का टेस्ट होता है ना, एनडी वाला सभी ने दिया होगा, एनडी का जो टेस्ट होता है, या फिर आप लोगों को पता होगा कि अभी फिलहाल 10th 12th में ओएमआर बेस्ड एग्जाम आ चुके हैं, उसमें आप सभी को पहले का ऑप्शन दिया जाता है, ये इस टाइप के आपको फिल करने पड़ते हैं। इस टाइप का आप सभी का एग्जाम आप सभी का होगा, ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम होगा, उसमें हो सकता है कि आप सभी के 40 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन हो, या 100 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्योंकि उसका सिलेबस आउट नहीं किया गया है, बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया गया है, सिंपल यही है, असेसमेंट और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट आप सभी के यहाँ पर होने वाला है। अगर साफ लफ्जों में बात करता हूं मैं, इस टेस्ट में आप सभी का, क्योंकि ये नेवी के संगत, नेवी के बराबर का एग्जाम है, जैसा नेवी का एग्जाम है, क्योंकि नेवी एसएसआर और आप सभी की एमआर की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो इंडियन कोस्ट गार्ड के आईसीजी के जीडी और डीबी के साथ होती है, जीडी और डीबी के साथ होती है, तो इनके पैरेलल अगर ये एग्जाम होता है तो आपका जो सिलेबस होगा, ये जो एग्जाम होगा वो बिल्कुल सेम होने वाला है। क्या होगा, ये बिल्कुल सेम एग्जाम होने वाला है आप सभी का, किसके, जो आप सभी का होगा स्टेज फर्स्ट के। ठीक है, जैसा स्टेज फर्स्ट होता है सेम आप सभी का ये होगा, स्टेज फर्स्ट के सेम एग्जाम होने वाला है स्टेज सेकंड का, बिल्कुल चेंजेस कुछ नहीं होगा। हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़े कम हो जाए, क्योंकि इसमें आपका रीजनिंग भी पूछा जा सकता है, जीके भी आ सकता है, ठीक है, इंग्लिश भी पूछ सकते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स या फिर साइंस के कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन आपका यहां पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, अगर यहां पर साफ लफ्जों में बात करें। दूसरा, अगर ये इनका जो कहना है ना, असेसमेंट टेस्ट या अडेप्टेबिलिटी टेस्ट आप सभी का होगा, तो हो सकता है कि ये सेम इंट्रोड्यूस कर दें जो आप सभी का एयरफोर्स में होता है। किस चीज में, एयरफोर्स में होता है, एयरफोर्स में क्या होता है आप सभी का, एयरफोर्स में होता है एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड जीडी, जीडी तो इसमें होगा नहीं मेरे को लगता है, ठीक है, एसआरटी होगा, उसमें सिचुएशन दी जाएंगी आप सभी को, सिचुएशन कैसी होंगी, जैसे कि आपके घर में आग लगी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि आपके घर में एक सिलेंडर है और गैस सिलेंडर फटा, उसकी वजह से घर के अंदर आग लगी, तो आप क्या करोगे, उसमें ऑप्शन होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ठीक है, तो आपको उसमें पॉइंट दिए जाएंगे, आपका अगर करेक्ट ऑप्शन अगर 2 है तो 2 पे आप सभी को 3 मार्क्स मिल गए, अगर आपने 1 कराया तो इस पर 1 मिलेगा, आपने ये किया तो इस पर भी 1 मिलेगा, ठीक है, इस टाइप की आपकी मार्किंग होती है, एक तो ये हो सकता है, ठीक है, एक दूसरा होगा कि आप जा रहे हैं, ठीक है, आपका एग्जाम है, आप अपने एग्जाम के लिए जा रहे हैं एग्जाम देने, ठीक है, और आप लेट है पहले से ही, और साथ में क्या हुआ कि आपको सिचुएशन दे दी जाएगी कि वहां पर एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, तो आप क्या करेंगे, ठीक है,
तो उसमें आपका ओपिनियन है, ठीक है, वो उनके हिसाब से जो आंसर होगा, अगर आप लोग जो भी लगाएंगे आपको लगाना पड़ेगा। एक तो ऐसे हो सकता है, ठीक है, या फिर ये मिक्स भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं कह सकते। तो ये दोनों तरीके का आपका एग्जाम हो सकता है। स्टेज सेकंड की जो सैरी थ्योरम है वो यहां पर लिखी गई है। आप सभी का ये जो एग्जाम होगा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो इस सीबीटी एग्जाम को पास करता है वो जाएगा स्टेज सेकंड में, और वहां पर आप सभी का ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। जो उस ओएमआर बेस्ड एग्जाम को, ठीक है, पास कर लेता है उसका क्या होगा, उसकी होगी वहां पर 1600 मीटर की रनिंग। 1600 मीटर की रनिंग कितनी देर में? 7 मिनट में। और ज्यादातर ये जो रनिंग होती है ना, ये होती है रोड पर, 90% केस में, कि कोई सा ग्राउंड होगा जिसपे करा लेते हैं फील्ड पर, वरना रोड पर होती है। बहुत प्यारी रनिंग है, मैंने नोएडा अपने आप खुद देखा है, मैं कोस्ट गार्ड का, मेरे को पता है, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे ऑफिसर होते हैं, एंड उठक बैठक एंड पुशअप्स बहुत प्यार से लगवाते हैं, आप लोग कर सकते हैं इजिली। बट यहां पर मेन पॉइंट आप सभी का क्या बनता है कि इस टेस्ट में और क्या हो सकता है, और यहां पर आप सभी का ये मैंने अलग अलग ट्विटर हैंडल से, अलग अलग चीजों से, अलग अलग चैनल से ठाया है सारी चीजें, तो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल फेज टू एंड फेज वन एग्जाम फिजिकल सेम आप सभी का सेम होने वाला है, ठीक है। इसमें डिस्कशन एंड इंटरव्यू नहीं होने वाला, क्लियर सी चीज है, अगर होता तो वो पहले ही कंफर्म कर देते, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहरहाल आपको क्या करना है फिलहाल, अब आता है मेन पॉइंट, आपको अब क्या करना है। जो आप लोग पढ़ रहे थे सेम सिलेबस पढ़ते रहेंगे, आपको लगता है ना, तो आप लोग सेम सिलेबस आप लोग यहां पर क्या करते रहेंगे, उसको पढ़ते रहेंगे, आपको सेम सिलेबस पढ़ते रहना है, ठीक है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, सेम सिलेबस जो आप सभी का मैथ्स है, मैथ्स आपको वही पढ़ते रहना है, इंग्लिश आप सभी को वही पढ़ती रहनी है, क्योंकि उसमें आप सभी का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कुछ भी पूछ सकता है। रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन आप सभी के वहां पर घेर सकते हैं, रीजनिंग का भी कोई भी क्वेश्चन घेर सकते हैं आप सभी का, वहां पर आप सभी का कुछ भी डाल सकते हैं, सिचुएशन रिएक्शन भी आ सकती है, क्योंकि कंफर्म नहीं है सिलेबस में क्या है, मगर हाँ ये आने वाला है। मैंने दो चीज बताई, या तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आएगा, या फिर नेवी की तरह सेम होगा, जैसे कि नेवी में आपका ऑफलाइन के समक्ष सेम सिलेबस होता है, वो भी आप सभी का हो सकता है, ठीक है। आप लोग दोनों चीज के लिए प्रिपेयर रहे, जो कुछ भी होगा आपके रिजल्ट के साथ आपको अपडेट भी कर दिया जाएगा साथ साथ, ठीक है। बाकी मैं हर अपडेट, हर जुनून खबर के लिए आप सभी के साथ बना हुआ हूं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, दोबारा से कहता हूं, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, एंड वीडियो को कर दें लाइक एंड शेयर, ठीक है। नंबर वन पॉइंट, किसी को कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट कर दो, हेल्प चाहिए कमेंट कर दो, सिंपल सा जी का कमेंट कर दो, काम खत्म, सभी का रिप्लाई मैं यहां पर देता हूं। दूसरा पॉइंट आप सभी का, अगर आपको जब भी प्रॉब्लम है, टेलीग्राम का फोटो स्क्रीन पर आपका दिखाई दे रहा है, जाकर आप लोग टेलीग्राम पर, ठीक है, जो भी आपको पूछने ना बेधड़क होकर पूछें, काफी बच्चे वो बता देंगे, अगर वो नहीं बताते हैं तो 2 से 3 बार SMS करना, मैं आपको वहां पर ही रिप्लाई कर दूंगा टेलीग्राम पर। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नाम है टॉपर ज्ञान अकेडमी। आई थिंक आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है, अगर नहीं समझे तो बता देना, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों में। जय हिंद।